वायर्ड माउस या फिर वायरलेस माउस, क्या लिया जाए? आजकल वायर्ड एंड वायरलेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गई है, रिस्पॉन्स टाइम एंड क्लिक लेटेंसी दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। विथ क्वालिटी वायरलेस माउस आपको मिलती है टॉप द लाइन सेंसर, ब्रांडेड स्विचेस एंड वो सभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो एक वायर्ड माउस में होती हैं, वो सब आपको वायरलेस में मिल जाती हैं। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? जी नहीं, दोनों में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, वायर्ड माउस में आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता लेके महंगा से महंगा माउस, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिलेगा। आप माउस में आरजीबी चाहते हो मिल जाएगा, मैक्रो कीज चाहते हो, मल्टीपल मैक्रो कीज चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। एक डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक सेंसर के साथ आप एक माउस ढूंढ रहे हो, वो भी आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बट वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। पर हाँ, जो ब्रांडेड माउस आजकल लॉन्च हो रही हैं, इनमें एक वायर्ड ऑप्शन और एक वायरलेस ऑप्शन होती हैं। आप जो चाहे वो ले सकते हो। पर हाँ, देखने वाली बात यह है कि वायरलेस ऑप्शन उसके वायर्ड काउंटर पार्ट से 2,000-3,000 रुपये ज़्यादा महंगा होता है। कुछ केसेस में तो वायर्ड ऑप्शन के कंपेरेटिवली वायरलेस ऑप्शन में आपको प्राइस डबल देना पड़ता है। तो हाँ, वायरलेस ऑप्शन डेफिनेटली एक्सपेंसिव है अगर आप अच्छे ब्रांडेड माउस लेना चाहते हो तो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वायरलेस माउस में कंपोनेंट्स ज़्यादा चाहिए। इसमें एक एडिशनल बैटरी की ज़रूरत होती है, एडिशनल सिग्नल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की ज़रूरत होती है। साथ ही वायरलेस माउस की जो बॉडी है वो उसके वायर्ड काउंटर पार्ट से थोड़ा सा मजबूत होता है, कुछ वायर्ड माउस की तरह खोखला नहीं बनाया जाता। मैं स्पेशली इस माउस की बात कर रहा हूँ। पर इससे एडवांटेज भी मिलती है, माउस की सेल्फ वेट कम हो जाती है एंड वेट बैलेंस में भी आसानी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरलेस माउस में वायर्ड ऑप्शन के कंपैरेटिवली ज़्यादा कंपोनेंट्स होती हैं, इसी वजह से वायरलेस माउस ज़्यादा भारी भी होता है। अगर आप ऑन पेपर सिर्फ वेट को देखोगे तो आपको उतना फर्क पता नहीं चलेगा, पर अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वायरलेस माउस की जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो उसके वायर्ड काउंटर पार्ट से थोड़ा सा अलग होगा। पीछे से जो वायरलेस माउस है वो थोड़ा सा भारी होता है। इसके पीछे ऑब्वियसली रीज़न है बैटरी, क्योंकि बैटरी एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो खुद काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी करता है। फिर भी कंपनीज अपना बेस्ट देते हैं वेट बैलेंस करने के लिए, पर वो उतने अच्छे से वायरलेस माउस में नहीं हो पाता। अब बैटरी पे भी डिपेंडेंट है कि बैटरी का वेट कितना होगा। अगर लिथियम आयन बैटरी है तो ऑब्वियसली हल्का होगा, अगर निकल कैडमियम या फिर NiMH बैटरी है तो वो डेफिनेटली भारी होगा लिथियम आयन के कंपैरिजन में। जब बैटरी की बात निकली है तो मैं आपको बताता चलूं कि इनबिल्ट बैटरी के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि आप एक माउस को सालों यूज नहीं कर सकते। एक माउस जो 3 साल पहले 7 दिन का बैटरी बैकअप देता था, मे बी आज जाके वो 2 घंटा भी बैटरी बैकअप ना दे। तो रिप्लेसेबल बैटरी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। रिप्लेसेबल बैटरी में भी अगर आप उसको रिचार्जेबल रिप्लेसेबल बैटरी लेते हो तो क्या होगा, जब भी बैटरी डाउन हो जाएगा आप बैटरी को चार्ज में लगा सकते हो और उस बैटरी को फिर से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक सेकेंड सेट ऑफ बैटरी रखते हो तो डेफिनेटली जब बैटरी डाउन हो जाएगा जो दूसरे सेट की बैटरी है वो आप लगा दीजिए और पहले सेट को आप चार्ज में लगा दीजिए, तो माउस आपका कभी भी डेड नहीं पड़ेगा। हाउएवर, जो इनबिल्ट बैटरी के साथ सिस्टम रहती है, जनरली सारे के सारे माउस के साथ ऐसा नहीं होता है। आप माउस को चार्ज में लगा के भी यूज़ कर सकते हो, तब एक वायर्ड माउस बन जाएगा ऑब्वियसली। पर यह बात ध्यान रखिए कि सभी माउस जिनमें इनबिल्ट बैटरी है वो ये फैसिलिटी ऑफर नहीं करता है। अगर आप मुझसे पूछो तो रिप्लेसेबल बैटरी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इससे माउस का कॉस्ट भी कम रहता है। अब वायरलेस माउस के साथ यही सबसे बड़ा दिक्कत है, बैटरी चाहे चार्ज करने से, एक बार चार्ज करने से 7 दिन चल जाए, पर फिर भी आपको उसको रेगुलरली मेंटेन तो करना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि कब माउस को चार्ज में लगानी है। अगर आप चार्ज करना भूल जाओगे तो काम के बीच में या फिर गेमिंग सेशन में माउस बंद पड़ जाएगा और पूरा का पूरा जो आप वर्क कर रहे थे या फिर गेमिंग कर रहे थे वो हैम्पर हो जाएगा। पर वायर्ड माउस के साथ चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आप माउस को सिंपली अपने कंप्यूटर में लगा दीजिए और उसको यूज़ कीजिए बस। एक बार लगा दिया, जब तक माउस खराब नहीं होता है तब तक आप उसको आराम से यूज़ कर पाओगे। हालांकि आजकल जो वायरलेस माउस आ रही है इसमें बैटरी इंडिकेटर की भी सिस्टम होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड दोनों ही तरफ से होती है, तो भूलने का जो चांसेस है वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो गया बैटरी की बात। मैंने बहुत बार देखा है कि वायर्ड माउस की स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि वो माउस 1 kHz की पोलिंग रेट अचीव कर सकता है। इतना हाई पोलिंग रेट को लेके आप करोगे क्या? इवन कॉम्पिटिटिव FPS गेम्स में भी 500 एंड 600 Hz मोर देन एनफ है, इससे ऊपर पॉइंटलेस है।
तो इस चक्कर में मत पड़िए, गेम्स में गेम्स की सेटिंग्स एंड आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ही एक्चुअली मैटर करता है। वर्ल्ड माउस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसकी केबल, चाहे केबल ब्रेडेड हो या फिर नॉर्मल हो। अगर आप ट्रैवल करते हो वर्ल्ड माउस को लेके तो केबल उलझ जाना तो आम बात है। तो अगर आप लैपटॉप ऑन करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वायरलेस माउस ही परचेस कीजिएगा, यही बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो या फिर आपका लैपटॉप एक ही जगह पे प्लेस्ड रहती है तब आप वायर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हो, वायर्ड माउस को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने वायरलेस काउंटर पार्ट से सस्ता होगा। पर वर्ल्ड माउस के साथ केबल मैनेजमेंट डेफिनेटली नेसेसरी है। अगर आप नीट एंड क्लीन सेटअप चाहते हो तो वर्ल्ड माउस के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। एक और एडवांटेज है दोस्तों, अगर आपका माउस पैड बड़ा है तो वायरलेस माउस को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। एक बार माउस को इधर किया, एक बार उधर किया, एक बार ऐसे किया, पर वर्ल्ड माउस में आप ऐसा नहीं कर सकते। वर्ल्ड माउस में क्या दिक्कत होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो केबल उलझने के डर रहता है, या फिर केबल खींच जाएगा, या फिर माउस डैमेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप नोटबुक यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें यूएसबी टाइप ए पोर्ट नहीं होगा, तब आप बिना किसी एडाप्टर के वर्ड माउस को उसमें यूज नहीं कर पाओगे। पर वायरलेस माउस को भी अगर आप यूज करना चाहते हो और आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वायरलेस माउस को यूज करना चाहते हो तब भी आपको देखना पड़ेगा कि उस नोटबुक में यूएसबी टाइप ए पोर्ट है या फिर नहीं, क्योंकि जो वायरलेस एडाप्टर होती है, वायरलेस रिसीवर होती है माउस की, वो यूएसबी टाइप ए पोर्ट पे ही जनरली काम करता है। और जनरली नोटबुक्स में आजकल टाइप सी पोर्ट ही आ रही है, तो आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपके वायरलेस माउस में ब्लूटूथ का ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छा है, आप अपने नोटबुक के साथ उस माउस को ब्लूटूथ के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तब किसी भी तरीके के अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ ब्रांडेड और अच्छे वायरलेस माउस में 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड ब्लूटूथ दोनों का ही ऑप्शन होता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड ब्लूटूथ डुअल कनेक्टिविटी की ये फीचर होने की वजह से आप अपने माउस को दो अलग अलग डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, आप दो अलग अलग डिवाइस से एक ही माउस को यूज़ कर पाओगे। सिर्फ एक स्विच को सिंपली आपको टॉगल करनी है, एक बार आपने ब्लूटूथ किया तो एक डिवाइस चलेगा, और एक बार आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज किया उसी स्विच को टॉगल करके तो दूसरा डिवाइस चलेगा। एक और बात दोस्तों, ब्लूटूथ माउस को आप गेम्स में यूज मत कीजिए, ब्लूटूथ की लेटेंसी ज़्यादा रहती है एंड उसमें स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, तो गेम्स को छोड़ के आप किसी भी जगह ब्लूटूथ माउस को यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में लेटेंसी नहीं रहता या फिर उसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, जहाँ पे आपका डिवाइस है, जहाँ पे आप वायरलेस माउस को यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पे कोई और डिवाइस उसी फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली आपको इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होगा या फिर लेटेंसी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की माउस की रेंज कम हो जाएगी या फिर उसकी लेटेंसी रिडिकुलसली बढ़ जाएगा। इस समय क्या होगा कि आप अपने डेस्कटॉप की बैक में यूएसबी रिसीवर को यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको एक यूएसबी एक्सटेंशन केबल लेना पड़ेगा और उस रिसीवर को उसमें लगाना पड़ेगा एंड इस रिसीवर को जितना हो सके उतना पास रखना पड़ेगा अपने माउस की। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो ये दिक्कत तो आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि रिसीवर लैपटॉप में लगा हुआ है और माउस उसके पास ही होगा। वर्ल्ड माउस के साथ डेफिनेटली ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माउस तो कंप्यूटर से ही कनेक्टेड है, जब तक माउस खराब नहीं होता है तब तक वो चलेगा, उसमें ना ही क्लिक लेटेंसी आएगी ना ही उसमें इंटरफेरेंस की कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर आप अपने टीवी या फिर प्लेस्टेशन के साथ माउस यूज़ करना चाहते हो तब वायरलेस ऑप्शन ही ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि आप इसको रिमोटली यूज़ कर सकती हो। जो भी हो, किसी भी हालत में जो अपना वायरलेस रिसीवर है माउस की, उसको खोना मत। अगर आपने उसको खो दिया तो माउस बेकार हो जाएगा जब तक आपको एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। आजकल कंपनीज भी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी हैं, उन्होंने भी जो माउस है उसके अंदर ही जो वायरलेस रिसीवर है उसको लगाने का सिस्टम बना दिया है, तो जब आप माउस को यूज़ नहीं कर रहे तब आप उस कंपार्टमेंट का यूज़ कीजिए अपने रिसीवर को रखने के लिए, उसको खोना मत। और वायर्ड माउस में उसमें गुम करने के लिए है ही क्या, आप पूरा माउस गुम कर दीजिए, काम खत्म। फीचर्स वाइज या फिर किसी और पर्सपेक्टिव से दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, सिर्फ आपको अपने लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट चूज करनी है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। वायरलेस माउस की जो अभी दिक्कत है वो है कॉस्ट। वायरलेस माउस अपने वायर्ड काउंटर पार्ट से 1.5 या फिर 2 गुना महंगा होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वायर्ड माउस या फिर वायरलेस माउस में से आपको अपने लिए कौन सा चूज़ करनी है।
इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिए। इससे होगा तो जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।